घटना के चार दिन पहले के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिस तरीके से स्पष्ट रूप कह रहे हैं कि हमारा वो रूप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जाना है जो हम एमपी एमएलए बनने से पहले थे। और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर जो आंदोलन हुआ उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है। और हम लोग का मांग है कि गृह राज्य मंत्री को अभी तुरंत इस्तीफा दिया जाए और उनके बेटे को और भाई को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जिस तरह के हादसा हुआ, कुछ किसानों और अन्य लोगों की मौत हुई है, कुल 8 मौतें हुई हैं और उन मौतों को लेकर देश भर में उबाल है। इस वक्त आप देख रहे हैं रांची के राजभवन के सामने माले की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें किसानों की मौत को लेकर शोक व्यक्त भी किया गया है, साथ ही सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ मंच पर माले के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव अपना वक्तव्य दे रहे हैं और बाकी लोग भी अपना वक्तव्य देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक लंबे अरसे का जो किसान आंदोलन चला है उसमें लगभग 600 से अधिक किसानों की मौत हुई है। उन सभी किसानों के प्रति यह एक शोक संवेदना भी दे रहे हैं, साथ ही आक्रोश भी है। झारखंड में पत्रकार वैद्यनाथ महतो के मौत के बाद भी एक तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उनको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके प्रति भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। और ये पूरा जो विवरण है वो किसान आंदोलन मुख्य रूप से लगातार माले की तरफ से प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, भारत बंद बुलाया गया था और झारखंड की सड़कों पर इस तरह की रैलियां लगातार देखने को मिल रही हैं। अब जब लखीमपुर का एक बड़ा घटना सामने आया है जिसके बाद ये लोग फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन के सामने इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मसले पर वो क्या कह रहे हैं और कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम। आज किस मसले पर धरना दिया जा रहा है और क्या आज का मसला है कि आप जानते हैं कि यूपी में लखनपुर खेरी में किसानों को हत्या कर दिया गया। किसान धरना पर बैठे हुए थे और जो गृह राज्य मंत्री के बेटा भाई उन लोगों पर गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दिया गया, तो ये साबित करता है कि ये लोग गुंडा है, माफिया है, ये लोग हत्यारा है। और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर जो आंदोलन हुआ उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है। और हम लोग का मांग है कि गृह राज्य मंत्री को अभी तुरंत इस्तीफा दिया जाए और उनके बेटे को और भाई को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। लखीमपुर खीरी में किसानों की जो हत्या हुई है वो कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, वो एक सुनियोजित हत्या है। घटना के चार दिन पहले के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिस तरीके से स्पष्ट रूप कह रहे हैं कि हमारा वो रूप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जाना है जो हम एमपी एमएलए बनने से पहले थे, और पूरा देश जान रहा है कि उनके ऊपर उनका जो असली रूप है वो एक हत्यारे व्यक्ति हैं, वो एक अपराधी हैं, उनके ऊपर फायरिंग के, उनके ऊपर जो है रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है बनाया गया। उसके बाद अब जो घटना के भी वीडियो आ गए हैं वो पूरी तरीके स्पष्ट है कि जानबूझ करके योजना के तहत जो है गाड़ी के द्वारा जो है किसानों को जो लोग सड़क पे थे वो कुचला गया, तभी 4 लोगों की मौत हुई और अभी दर्जनों जो है घायल हैं। अब ये भी स्पष्ट हो चुका है कि वो गाड़ी भी उनके नाम पर है और उनके पुत्र भी उसमें बैठे हुए थे। इसलिए आज भाकपा माले और मासस की ओर से राजभवन के समक्ष जो ये धरना है, हम स्पष्ट मांग करते हैं कि मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र पर हत्या का मुकदमा जो है दर्ज करके तत्काल गिरफ्तारी हो। हम लोग राजभवन के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं। आपने सुना कि मांग ये की जा रही है इस मंच से कि एक तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वो इस्तीफा दें और साथ ही उनके बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि यह साफ हो गया है फुटेज के माध्यम से कि उन्होंने हत्या की है या उनकी गाड़ियां लोगों पर आदतन इरादतन चढ़ाई गई हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। www.thefollowup.in